हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल परवीन किचन ब्लॉग। आज की रेसिपी का नाम है, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं बता दूँ, आज की रेसिपी का नाम है शामी कबाब। तो इसमें मसाले क्या क्या लगेंगे वो देख लेते। ये दो बड़े चम्मच गरम मसाला है, दो चम्मच हल्दी है छोटी, एक छोटा चम्मच जीरा है, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और स्वाद अनुसार नमक है। ये 1/4 किलो दाल ले लिए चने की, इसके अंदर 15 से 20 इलाहा आप मिर्ची डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना तीखा खाने का। और 1 घंटे का अंदर इस तरीके से चॉप करके ले लेना और हमें धो के ले लेना सब चीज़। और ये 1/4 किलो कीमा है, इसे फाइन मशीन वाला भी कीमा ले सकते हो या ऐसी भुना हुआ भी कीमा ले सकते, मतलब ऐसा हाथ वाला भी कीमा ले सकते हो, आप कोई भी कीमे में बना सकते हो शामी कबाब। तो इसके आगे देख लेते करके हमें क्या क्या डालना है इसके अंदर कैसे। ये जितने भी मसाले जो मैंने बताई थी आपको, ये सब इसके अंदर डाल देना है और पानी डालना है कीमे के साथ। कीमा भी इसके अंदर भी पड़ जाएगा, इसमें कुछ बाद में नहीं डालना है। अब इसके अंदर कीमा डाल के ले लेंगे। शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो आराम से। अब देखो इसके अंदर स्वाद अनुसार पानी पड़ गया, आप जितनी दाल उतना पानी पड़ेगा, सिर्फ दाल से मतलब थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रहेगा पानी, ज़्यादा नहीं। हम इसे अभी क्या करेंगे, गैस ऑन करके रख देंगे बनने उबलने के लिए। जब तक दाल नहीं गलती, जब तक दाल नहीं गलती और पानी नहीं पूरा सूख जाता, जब तक हमें इसे गैस पे ही चढ़ा के रखना है, पूरा सूख जाना चाहिए। जैसे हम चने का हलवा बनाते, चने की दाल का पानी कैसे सुखा लेते, वैसे हमें इसका भी पानी अच्छी तरीके से सुखा के ले लेना है, अच्छी तरीके से दाल और कीमा भून के ले लेनी है। भुनने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा, हमें इसके क्या 1-1/2 घंटा बड़े बर्तन में निकल के इसलिए थोड़ा सूखने के लिए देना है, सब पानी सूख जाना चाहिए। जब पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो हमें पीसने में भी आसान नहीं, क्योंकि हमें पीसने में कुछ भी पानी नहीं, देखो विदाउट पानी इस तरीके से पीस के होना चाहिए, ऐसा पीस के लेना है। अब इसके आगे देख लेते, देखो ये सब पूरे मैंने जितना भी पूरा था दाल कीमा ये सब अच्छी तरीके से इसे पीस के ले लिया। अब ये 3 से 4 घंटे कांदा है बड़े साइज़ का, 1 मुट्ठी कोथमीर है, इस तरीके से बारीक एकदम जैसे हम सलाद में डालते हैं ना, एकदम बारीक फाइन चॉप वो डाल के ले लेना है। मिर्ची भी इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, और हमें अच्छे से इसको आटा कैसे गूंथते वैसा गूंथ के ले लेना है इसमें। तो बस आप मम्मी के हाथों पे ध्यान देते जो मम्मी किस तरीके से बना रही है, क्विक एंड इजी रेसिपी है। बस क्या थोड़ा सा मतलब दाल एकदम भून जाएगी, सूख जाएगी ना, तो पीसने में आसानी होती है, इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं, विदाउट पानी ये बनने वाली चीज़ है। अब देखो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब जैसे हम आटा कैसे गूंथते एकदम, ये देखो इस तरीके से हमें इसे गूंथ के ले लेना है, एकदम साइड में एकदम ठस मतलब एकदम से ऐसा बना के ले लोगे तो हमें कबाब बनाने में आसानी होगी। तो हमें इस तरीके से आराम से इस तरीके से बना के ले लेना है। देखो ये हो चुका है, भुने नहीं है, बस इस तरीके से इस फॉर्म में इसको बना के ले लेना। अब कबाब कैसे बनेंगे वो देख लेते किस तरीके से बनेंगे। तो देखो इस तरीके से हमें कबाब बना के लेना है, एक गोल ले लेना है, और कबाब बनाना तो इजी है बट क्या किसी किसी से नहीं बन पाते, जिस उनमें से मैं भी जो मुझे कबाब बनाने बराबर से आते नहीं, ऐसे बना तो लूँगी पर इसका जो शेप वेप होता है वो बनाने के लिए बहुत हैरान परेशान हो जाती हूँ, तो जैसे जमता है मैं तो वैसे बना लेती हूँ। पर आप इस तरीके से हमें शेप देना है कबाब का, और अच्छे से इससे क्या होता है ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, हमें मीडियम इसमें रखना है ताकि फ्राई करने में आसानी हो, अंदर कच्चा नहीं। वैसे तो ये पक चुका है पर क्या अंदर थोड़ा सेप और जो अच्छा शैलो फ्राई हो जाता है तो अच्छा लगता है। अभी क्या करना है, गैस ऑन कर लेना, तवा पैन जो आपकी मर्जी रखना है, तवा गर्म हो, थोड़ा सा तेल डालना जिस तरीके से मम्मी ने डाला, और हमें कबाब धीरे धीरे करके 4-5 जितने आपको जमे पलटने के लिए, तो उस हिसाब से आप इस कबाब डाल के इसको अलट पलट करके हमें सारे अच्छी तरीके से सेक के ले लेनी है, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के। अगर तुम ज़्यादा तेल में डालोगे तो ये कबाब फट सकते हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े जैसे मच्छी कैसे फ्राई करते हैं इस तरीके से हमें कबाब भी फ्राई करके ले लेने अच्छी तरीके से। तो आप बस मम्मी के हाथों पे ध्यान देते रहो, मम्मी किस तरीके से पलट करके सारे कबाब सेक के ले लेगी। आप मम्मी ने तरीका भी बता दिया हमें किस तरीके से कबाब फ्राई करने, कितना शैलो फ्राई करना है, क्या कैसे करने का, तो आप बस मम्मी के हाथों पे ध्यान देते जाओ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर रेसिपी में बोलती हूँ, क्योंकि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दूसरों के साथ, फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स और भी रिलेटिव्स है, कज़न्स है, आजू बाजू वाले आस पड़ोस सबको रेसिपी शेयर करो, वो लोग भी बनाएंगे, उनको भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जल्द से जल्द हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी, पूरी तो होती रहेगी इंशाल्लाह, बहुत
आगे का सपना है, बहुत लंबा सपना है, बहुत लंबा सफ़र है, पर क्या उस लंबे सफ़र में धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे तो एक फैमिली बनेगी हमारी, तो बहुत अच्छा लगेगा करके जैसे जैसे हमारे साथ जब सब जुड़ते जाएंगे। तो बस मम्मी के हाथों पे ध्यान दे देते हो, मम्मी किस तरीके से बना रही। अब देखो मम्मी का जब आधा सीख चुका होगा, मतलब 90% सीख जाएगा, तो मम्मी इसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे लाइन से लगा लेगी, जैसे बाहर अपन देखते ना कबाब एकदम तवे पे लाइन से लगी रहते और दूसरे सीखते रहते, उस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट रखना है ताकि कबाब थोड़े से कड़क हो जाए, थोड़े से ज़्यादा नहीं कड़क हो जाए, अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी। देन उसे मम्मी हॉट पॉट के अंदर पास मतलब डाल देगी। तो बस मम्मी के हाथों पे ध्यान देते जाओ, मम्मी किस तरीके से क्या कौन से प्रोसेस से कर रही है, अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके मम्मी को बताना, मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा करके कोई मम्मी की वीडियो देख के उस चीज़ को ट्राई कर रहा है बनाने के लिए और वो कामयाब भी हो रहा है उस चीज़ में बनाने के लिए, तो मम्मी के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, क्योंकि मम्मी ऐसे लगेगा करके मम्मी को करके हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरी मेहनत सफलता मतलब सफलता की मतलब ये ला रही है, मतलब सफलता की रंग ला रही है, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। तो बस मम्मी को इसी तरीके से सब लोग सपोर्ट करते रहो, ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लोग भी जुड़ते रहे, इंशाल्लाह जुड़ेंगे, बस सब्र की देरी है, बस सब्र। इसी तरीके से हमें सारे कबाब सेक के ले लेनी अच्छी तरीके से अपना हाथ बचा के, क्योंकि तवा गर्म रहेगा तो हमें मीडियम, अगर तुम्हें फास्ट इस पे नहीं जम रहा है फ्लेम पे तो आप मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे भी आप धीरे टाइम लगेगा पर सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। अब देखो मम्मी कबाब बता रही हूँ, कबाब देखो इस तरीके से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे और खाने में भी लाजवाब टेस्टी लगेंगे। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ आप भूल रहे हो या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मम्मी को ज़रूर कमेंट करके पूछना, हम ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी